मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर के चुनावी दौरे पर हैं। सबसे पहले सीएम अशोक गहलोत वहां मीडिया से रूबरू हुए और इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी जी की सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, मोदी जी सिर्फ आरएसएस और भाजपा के पीएम हैं। 5 साल में एक बार भी पीएम अपने संसदीय क्षेत्र नहीं पहुंचे और अब सीएम अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम गहलोत फलोदी, लोहावट और साथ ही लूणी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। किसान भाई पेश करेंगे कांग्रेस, ऐसे ही फैसला है। न्याय की तरीके में इसको बड़ा फैसला मानता हूं। किसानों का बजट पूरे पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होकर पास होना ये एक ऐतिहासिक स्वर्णिम अशोक लिखा जाएगा। ये फैसला देश के इतिहास में भी और कांग्रेस के इतिहास में भी घोषणा पत्र बकवास है उनका, क्योंकि कोई दम नहीं उसकी बात को भी नहीं कर सकते। और कांग्रेस घोषणा पत्र की चर्चा पूरे देश में हो रही है। 16 दिन में मेरा डेढ़ 100 दिन का मुद्रा बनेंगे, नरेगा मोदी कह दिया है। इसके पहले विजय यात्रा थी, अब ये यात्रा जो चल रही है सरकार यात्रा चल रही है, ये मोदी जी की सरकार विजय यात्रा है। आप समझ लीजिए कई बात।